अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और यहाँ पर आपके सामने मौजूद है मॉड्यूल आउटडोर यूनिट पीसीबी बोर्ड जो कि सैमसंग डेटन डीसी इन्वर्टर एसी का है, जिसमें फॉल्ट ये आ रहा है कि काफ़ी सारे एरर्स इसमें आ रहे हैं। लेकिन जैसे इसका आउटडोर यूनिट हमने ओपन किया, टॉप कवर ओपन किया, तो इसकी जो बोर्ड है, इसका जो पीसीबी बोर्ड की कंडीशन हमने देखी, तो आइडिया हो गया कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वायर्स कटी हुई थी और साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि वैसे ही नज़र आ गई, जो कि आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको भी नॉलेज होगा। और वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पीसीबी का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जो है सीखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इसके स्क्रू जो है रिमूव किए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं। इसमें ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आई जी बी टी के अलावा ये IPM मॉड्यूल है, IGBTs, और इसके अलावा ये कैपेसिटर और छोटे बड़े जितने भी, यानी कि SMD वगैरह, इसमें कैपेसिटर है और डायोड है, जितनी भी चीज़ें हैं, इसके अलावा रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें जो है कैसे वर्क करती हैं, कैसे इनको चेक करना है, कम्युनिकेशन सिस्टम इंडोर टू आउटडोर कैसे काम करता है, इसमें कैसे हमने जो है इसको प्रॉपर टेस्ट करना होता है, एक एक चीज़ को बाहर निकाल कर और फिर उसको अंदर में इसमें, यानी कि सर्किट में लगे हुए में करंट देकर कैसे चेक करना है, ये PCB कोर्स मुकम्मल रेडी है। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मिल रहा होगा, कॉन्टैक्ट करके आप इजीली उनसे परचेज़ कर सकते हैं। हमारा ही कॉन्टैक्ट नंबर है, तो कॉन्टैक्ट करेंगे, आपने पेमेंट करनी है और आपको कोर्स जो है वो फौरी मिल जाएगा। तो खैर, यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर काफ़ी सारे एरर आ रहे थे डिफरेंट, और यहाँ पर जो है जो मुझे प्रॉब्लम सबसे बड़ी देखने को मिली, एक तो ये कि इसके ये दो IPM मॉड्यूल हैं, ठीक है। अब दो IPM मॉड्यूल है, इसमें नॉर्मल यूनिट में तो एक IPM मॉड्यूल होता है, तो इसमें दो IPM मॉड्यूल है। आई थिंक इसमें ये जो एक IPM मॉड्यूल है ये वो फ़ैन के लिए है, क्योंकि इसके आउटडोर यूनिट में फ़ैन जो है वो DC इन्वर्टर है, ठीक है, तो उसके लिए भी IPM मॉड्यूल लगाया हुआ है। कैपेसिटर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर जो बड़ी चीज़ एक ये कि इसके ऊपर हीट सिंक होता है, जो कि आपने देखा होगा, जिसकी पिक्चर भी मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। हीट सिंक वो इसके ऊपर लगा होना ज़रूरी है, ताकि इसकी जो हीट है, जब कंप्रेसर ड्राइव होता है, इसके ऊपर लोड पड़ता है। ये इसके ऊपर कार्बन भी आ चुका है, ये कॉपर का ही कह लेंगे ऊपर से है, तो ये हीट होता है, तो ये अपनी हीट उस हीट सिंक में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे इजीली ये नॉर्मल इसका टेम्परेचर रहता है। इसके ऊपर से किसी टेक्नीशियन ने हीट सिंक ही उतार दिया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक पहले कोई भी इसमें इधर चेक करने के लिए यानी कि आया था इस प्रॉब्लम को, या प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो पाई, या जैसे भी, खैर उसने ये हीट सिंक लगाया नहीं दोबारा, तो काफ़ी प्रॉब्लम बनी उसके बाद। तो मतलब आई थिंक अभी ये जल भी गए होंगे। मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको इसका भी टेस्टिंग जो है मल्टीमीटर से सिखा दूँगा कि ये कैसे टेस्ट किए जाते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, आपको ये बता दूं कि हीट सिंक मस्ट है, हीट सिंक बहुत ज़रूरी है, और इसकी PCB में जो एरर्स आ रहे थे वो यही सॉल्यूशन है, वो इसी प्रॉब्लम पर आ रहे थे कि एक तो हीट सिंक नहीं इसका जो है लगा हुआ, और दूसरे नंबर पर इसमें वायर्स भी कटी हुई थी यहाँ पर, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई, ये देखें ये वायर्स भी कुछ कटी हुई हैं, ये जैक है, ठीक है, कनेक्टर है, इसकी भी वायर्स कटी हुई हैं, जिस चीज़ का भी है इसका भी एरर आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम, बाकी कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ चीज़ें बीच में से मिस तो नहीं है, लेकिन खैर, लेकिन जो कंडीशन हो चुकी है बोर्ड की, मे भी कि इसको चेंज ही करना पड़ जाए, क्योंकि इसके ऊपर कार्बन भी काफ़ी आ चुका है, काफ़ी टाइम से ये चला भी नहीं, जब से ये यानी कि प्रॉब्लम कर रहा था, फिर उसके बाद चलाया नहीं, तो अभी हो सकता है कि इसको चेंज करना पड़ जाए। अगर चेंज करना पड़ जाए तो उसमें न्यू टेक्नीशियन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, जैसे उसने सेम टू सेम वायर्स उतारनी है और सेम टू सेम वायर्स कनेक्ट कर देनी है, कलर टू कलर याद कर ले, या फिर वो नंबरिंग दे सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जोन जोन से भी वो कम्युनिकेशन से उतारे, या जैक टू जैक, तो ये वैसे भी जैक टू जैक ही लगेंगे, ये आप उल्टा भी लगाना चाहे नहीं लगेगा, ये सेम पोजीशन पर लगेगा अपनी एग्जैक्ट,
तो ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको इससे कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। मैं इस पर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मैं इस पर कौन कौन सी और वीडियोस बनाऊं, और मैं इस पर आपको IGBT टेस्टिंग और जो छोटे जितने भी कंप्यूटेंट टेस्टिंग है उस पर भी वीडियोस जो है इस सीज़न में बनाना शुरू करूंगा। बट उससे पहले अगर आपने मेरा PCB कोर्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का किया होगा, जो कि बहुत ही कम प्राइस में है, 4 से 5 हज़ार रुपये में है, साथ आपको एप्लीकेशंस भी मिल जाती है जिसमें एरर कोड्स, रेफ्रिजरेटर की इन्फॉर्मेशन, डायग्राम, वायरिंग, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप वो कोर्स परचेज़ कर लेते हैं तो आपको हर वीडियो जो है वो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का आपको बेसिक जो है वो पता होगा पहले से, और हम डायरेक्ट आगे उसको पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।